press the bell icon on the YouTube app and never. और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवी देखी जाती है और आज भी पाकिस्तान के बंगलों में अंबर नीचे में कोठा और तवायफ खाना बनता है. बाकी मुस्लिम देशों का हम देख ही रहे हैं कि मुसलमान बेटियों के क्या हालात हैं. जी बिल्कुल. लेकिन सवाल नाजिया यही निकल कर आता है कि जब भी इन सारे मसलों पर बात होती है तो सिरे से नकार दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग झूठ बोल रही हैं, बीजेपी आरएसएस का ये एजेंडा है. आखिर आज के दौर में जब बेटियां चांद पे जा रही हैं, एक से एक हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन मुसलमान समाज में आज भी बेटियों को बेचा जा रहा है या दफन किया जा रहा है. ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अरब के जाहिल जमाने में जिस वक्त बेटियां दफनाई जाती थी, उस वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में बेटियों को इज्जत दी और ऐसा किया वैसा किया. आज ये वही लोग आखिर बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, सब खामोश हैं. अभी कोई फलस्तीन के लिए तो सब जयकारा लगा देंगे ओएसी से लेके उनके सारे अनुयायी तक. बेटियों के साथ कहीं पे भी कुछ होता है सब खामोश रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, सबको सांप सूंघ जाता है. नहीं कहेंगे नहीं. सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज के लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटियों को. एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा. तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इस लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. ऐसे ना होने की वजह से पाकिस्तान में 15 दिन की बेटी को जिंदा दफनाया गया. क्या ही पता कि हमारे भारत में भी ये सब कुछ हो रहा होगा. पश्चिम बंगाल में बशीरहाट बहुत फेमस है बेटियां बेचने और खरीदने में. उल्बेरिया बहुत फेमस है बेटियां बेचने में. बांग्लादेश में बेटियां बेची जाती हैं 9 साल से लेकर के 18 साल तक की. हमारे पश्चिम बंगाल में अब तक में 15 लाख बेटियां पिछले 10 साल में बिक चुकी हैं और किडनैपिंग का और मिसिंग डायरी दे करके माता पिता अपने सर से बोझ उतारते हैं और कहते हैं कि नहीं हम तो मिसिंग डायरी दिए हैं, हालांकि उन्होंने बेचा हुआ होता है बांग्लादेश में. अब आते हैं बात कि अंबर क्या ये सच में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमने पढ़ा कि वो अपने सर की पगड़ियां बिछा दिया करते थे अपनी बेटियों के लिए. वो तो झुक करके सलाम किया करते थे बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को. तो क्या ये सच में मानने वाले हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, या इन्होंने बेटियों को अपनी कमाई का जरिया मुसलमानों ने बनाया है? देखिए 80% हमारे भारत में मुसलमान मर्द सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड तो होते हैं, ये तो वो भी मान चुके हैं. और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवी देखी जाती है और आज भी पाकिस्तान के बंगलों में अंबर नीचे में कोठा और तवायफ खाना बनता है. बाकी मुस्लिम देशों का हम देख ही रहे हैं कि मुसलमान बेटियों के क्या हालात हैं. जी बिल्कुल. लेकिन सवाल नाजिया यही निकल कर आता है कि जब भी इन सारे मसलों पर बात होती है तो सिरे से नकार दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग झूठ बोल रही हैं, बीजेपी आरएसएस का ये एजेंडा है. आखिर आज के दौर में जब बेटियां चांद पे जा रही हैं, एक से एक हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन मुसलमान समाज में आज भी बेटियों को बेचा जा रहा है या दफन किया जा रहा है. ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अरब के जाहिल जमाने में जिस वक्त बेटियां दफनाई जाती थी, उस वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में बेटियों को इज्जत दी और ऐसा किया वैसा किया. आज ये वही लोग आखिर बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, सब खामोश हैं. अभी कोई फलस्तीन के लिए तो सब जयकारा लगा देंगे ओएसी से लेके उनके सारे अनुयायी तक. बेटियों के साथ कहीं पे भी कुछ होता है सब खामोश रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, सबको सांप सूंघ जाता है. नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे क्योंकि फिलिस्तीन का जय जयकार लगा करके मुसलमान मर्द भारत में पाकिस्तान में अपने ताकत का ऐलान करते हैं. लेकिन उसी फलस्तीन और हमास ने जब इसराइल की बहु बेटियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे पर नंगा किया और बलात्कार किया और छोटे छोटे मासूम 4 महीने 5 महीने के बच्चे को माँ के सामने माइक्रोवेव में जलाया, उसमें उसमें इनकी नजर नहीं झुकेगी.
क्योंकि उससे ये कमजोर साबित होते हैं और ये मानसिकता अपनी मानसिकता से बीमार साबित होते हैं, साइकोपैथ साबित होते हैं। लेकिन मर्डर, हत्या, दूसरे धर्मों की औरत को कपड़ा खोलना, ये सारी चीजें, बम बारूद, असलाह, जिहाद, टेररिज्म एक्टिविटीज, ये सारी चीजों से मुसलमान इसलिए प्रभावित होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं और इन्हीं बातों पर जय जयकार और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाते हैं, क्योंकि इससे ये उन धर्मों को अपनी ताकत दिखाते हैं जो धर्म इनके बारे में ये मान चुकी है कि ये टेररिज्म माइंडेड है, थे और रहेंगे। कल की बात है, तो कल तौकीर रजा ने बरेली से बैठ करके कहा है कि मुसलमान बच्चों को और मुसलमान मोहल्लों में जानबूझ करके नशे का व्यापार कराया जा रहा है, जिसमें मुसलमान, ये खुद तौकीर ने कहा है, जिसमें मुसलमान ही नशा बेच रहा है और मुसलमान युवा ही नशा खरीद रहे हैं। और तौकीर ने अपने साथ में अपने स्पीच में ये भी कहा है कि HIV भी सबसे ज्यादा मुसलमानों को होता था, क्योंकि सरकार मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए और उनको खत्म करने के लिए HIV जैसा रोग जो है वो उन तक पहुंचाता था। कन्वर्शन मुसलमानों का हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेटेड नासिर खान आफ्ताब जैसे, और जो ये जो हमें ट्विट पर और इंस्टाग्राम पर गालियां परोसते हैं गंदी गंदी माँ बहन की उजू के नाम लिख लिख करके, कि सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोगों को HIV पहुंचाने की जरूरत है? ये क्या दूध पीते बच्चे हैं कि इनको प्रोस्टिट्यूट एरिया में जाकर के रखा है, बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि जिप खोलो और करो और HIV ले लो। अब बात आती है कि ये जो ब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, ये जो गलियों में, ये जो बड़े मजे में मुसलमान लड़के जो गांजा फूंकते हैं, गांजा पीते हैं, गांजा खरीदते हैं, हमारे पश्चिम बंगाल में जावेद अहमद खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइएगा, 4 नंबर ब्रिज है तोपसिया का, उसके नीचे में मुसलमान लड़के शाम में अंधेरे अंधेरे में, काफी वहां पर ग्रीनरी है, बड़े बड़े पौधे लगाए हैं जावेद अहमद खान ने इंटेंशनली कोकीन और गांजा, ताकि आराम से अंधेरे में बिक सके। और पुलिस डिपार्टमेंट को पता है, लेकिन पुलिस वहां पर रेड नहीं करती है। जब हजारों कंप्लेन लेटर्स जाते हैं या हाई कोर्ट में कोई अपील होता है तो 4-5 लड़कों को वो पकड़ लेता है और उसके बाद फिर वैसे ही चलता है। तो ये क्या तौकीर रजा, इनके मुंह में क्या दूध का बॉटल लगा करके रखे हुए हैं? इनको पता नहीं है कि ये कोकीन, गांजा और प्रोस्टिट्यूशन का एरिया, ये सारी चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, ये सारी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। अब तौकीर रजा ने कहा है कि कन्वर्शन फोर्सिबली मुसलमान बेटियों का हो रहा है और मुसलमान बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। भाई मुसलमान बेटियां जहेज ना दे पा रही हैं मुसलमान लौंडों को, उसकी वजह से 40-40 साल की घर पर रह जा रही हैं बेचारी, पढ़ते पढ़ते थक जा रही हैं, लेकिन फिर अपना अपना काम, अपने नौकरी में, कारोबार में अपने आप को इन्वॉल्व कर दे रही हैं। लेकिन जिस तरह से लव जिहाद और धर्मांतरण हिंदू बेटियों का हुआ है, अगर उसका परसेंटेज निकाल करके तौकीर रजा के मुंह पर चिपकाया जाए तो शायद उसके पास जवाब नहीं होगा। और इसी की वजह है कि तौकीर रजा अपनी बातों को लेकर के विरोध प्रदर्शन, मीटिंग, स्पीचेस, तकरीर, भाषणबाजी रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, पर जैसे ही कोई भी माननीय कोर्ट अगर उनको बुलाता है, कोई भी महामहिम जज उनको बुलाते हैं, तो वो भाग खड़े होते हैं, वो अपने आप को छुपा लेते हैं। और सुलेमान को भी हमने देखा, डोंगरी में खुद को छुपा लिया था, घाटकोपर में कोई खुद को छुपा लेते हैं। तो ऐसे लोग जो कैमरा पे अपना फतवा जारी करते हैं, अपनी तकरीर सुनाते हैं, इनकी हिम्मत क्यों नहीं होती है कि पूरे तथ्य के साथ, पूरे सत्य के साथ चले जाएं कोर्ट के अंदर और बताएं? देखिए ये बात तय है कि मुसलमान मर्दों ने औरत को सिर्फ उनकी अश्लीलता और उनकी ठरकबाजी को सेटिस्फाइड करने का एक सामान समझा हुआ है। इसके अलावा इस्लाम में अब मुसलमान औरतों का कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनका आइडेंटिफिकेशन या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब बात यहां पर आती है अंबर के, जब तक हम जैसी लाखों मुसलमान बेटियां रोड पर नहीं आ जाती हैं, वोकल नहीं हो जाती हैं, तब तक ये मुसलमान मर्द हमें हमारी इज्जत नहीं देंगे। एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है कि यही एक रास्ता भी है जिस तरह से हम पूरे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान बेटियों की जो स्थिति देख रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बस ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, लेकिन जो इंटरनली
अंडर शरिया लॉ बेटियों का हवाला है, ये किसी से छुपा नहीं है, और इसलिए हम लोग हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की हिमायत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर कुछ सोचे और भारत की सभी बेटियों को बराबर के अधिकार मिले जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है ये सभी महिलाओं के लिए, सभी बेटियों के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाजिया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।